क्या ही मस्त बन रहा है दोस्तों, देसी वाला मछली। देसी वाला मछली, अब देसी वाला तारी बनेगी। हाँ, तो खाना लग चुका है दोस्तों, ये देखिए मछली भात और ये देखिए घूंघी का भुंजिया, मस्त एकदम खाना बन चुका है। देहात में कढ़ाइए में मछली खाता। अच्छा, हम लोग तो देहाती ना। हम लोग कढ़ाई में खाते। उधर मछली का सब्जी और इधर देखिए घूंघी का भुंजिया। और इधर देखिए दोस्तों, फुआ अभी खाना लगाना शुरू कर दी है, देखिए अभी बांट रही है। फुआ घर में देखिए दोस्तों कितना मस्त खाना बना रही है। कविता जी मस्त मछली फ्राई कर रही है क्या जी? हाँ जी, पूरा एकदम देसी तरीका से बना रही है दोस्तों एकदम फुआ। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों फुआ घर, है ना जी? हाँ जी। आज हम लोग लाएंगे दोस्तों हम लोग पपीता पका हुआ। उस दिन तो देखे थे कि पूरा एकदम हम लोग पपीता गिराए थे, तो फुआ फिर बुलाई है पपीता लाने के लिए, तो हम लोग चलते हैं अभी पपीता लाने के लिए, है ना जी? हाँ जी। तो चलिए। हाँ चलिए। और साथ में लक्ष्मी भी जा रही है दोस्तों, और रंगीला बाबू तो घरे में है। हाँ, हाँ बोल रही है लक्ष्मी जी, ना जी? हाँ जी। तो हम लोग आ गए दोस्तों फुआ घर, आइए जी। हाँ जा रहे हैं। आते आते एकदम प्यास लगने लगा दोस्तों। हाँ। क्या जी? हाँ, इतना ज्यादा धूपे है ना, मुँह सूख गया एकदम। देखिए फुआ अभी कहाँ जा रही है? देख के तो अच्छा। देखिए फूफा भी निकल गए। मटन दादी आ गई लक्ष्मी। हाँ, मटन दादी आ गई। आ गई, आ गई लक्ष्मी। पानी पकड़िए जी। हम लक्ष्मी को पापा देंगे, लक्ष्मी को पापा देंगे। देखो 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 कैसा कैसा कूद रही है, देखो देखो कैसा दौड़ते रहता है ना। यहाँ पापा है देखो। ये लीजिए फुआ। हाँ दीजिए। मिठाई तो मिला नहीं, जानवे का तो जंगल झाड़ में बिस्कुट मिला है। जो कुछ है बहुत अच्छा है। तो हम लोग वो वाले घर से यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ कितना मस्त एकदम ठंडा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज्यादा गर्मी लग रहा था ना। हाँ, तो ये वाला खपरा का घर है, इसलिए ठंडा लगता है। और छत घर में तो इतना ज्यादा गर्मी लगता है कि बहुत गर्मी लगता है। तो हम लोग पानी वगैरह पी लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं पपीता तोड़ने के लिए, क्या जी? हाँ जी चलिए। चलिए। नहीं आज नहीं जाना है, आपके लिए हमें स्पेशल जुगाड़ किए हैं। अच्छा, हम जुगाड़ किए, आपको खाना है इसके बाद जाना। अच्छा, तो मतलब देर नहीं हो जाएगा? नहीं देर नहीं होगा, हम फट के बना देंगे, खा लीजिएगा उसके बाद जाना है। तो फुआ एकदम जिद करने लगी दोस्तों, नहीं जाने के लिए बोल रही है। तो हम लोग अभी जा रहे थे अभी हम लोग पपीता तोड़ने के लिए, लेकिन फुआ बोल रही है कि खाना पीना खा करके जाना है। खाना खा के जाइएगा। तो चलिए इधर तब तक घूमते हैं। हाँ चलिए। तो अभी चल रहे हैं दोस्तों हम लोग बारी तरफ, देखते हैं कितना ज्यादा पपीता फरा हुआ है। तो हम लोग आ गए दोस्तों फुआ लोग का बारी तरफ, ये देखिए क्या क्या चीज लगाई है फुआ। पेक्सी है, कच्चू वगैरह लगाई है दोस्तों। कच्चू नहीं है, पेक्सी। पेक्सी है, कच्चू है जी, कच्चू। हाँ, और फुआ लोग का बारी तरफ देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा पपीता फरा हुआ है, देखिए बहुत ही बड़ा बड़ा पपीता है। और इसके अंदर में आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि ये कितना ज़्यादा कच्चा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर में पूरा एकदम पका हुआ है। उतना नहीं पका, उतना नहीं ज़्यादा पका हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा पका हुआ है, लेकिन हाँ। काफ़ी टेस्टी लगता है एकदम। पकने वाला नहीं अच्छा लगता। हाँ, बहुत ज़्यादा पक जाता है ना दोस्तों, तो वाला खाने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन हल्का हल्का पका हुआ रहता है एकदम खाने में टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, हाँ वो एकदम सोडर बोडर करता है। हाँ। क्या पाका के पाकल का फिर आती चला जाता है क्या? हाँ, ऊपर गीला रहता है ना, तो खाने में मजा नहीं आता है, और ये वाला एकदम खाने में पूरा मजा आता है। हाँ, और ये भी पूरा एकदम पाकने के लिए अगर छोड़ दीजिए ना दोस्तों, तो मतलब एक दो दिन के अंदर में पूरा एकदम गीला हो जाएगा, उस तरह से पक जाता है ये सब। तो एकदम बहुत ही अच्छा पका हुआ है, ये खाने लायक ठीक है। तो हम लोग इसको बाद में तोड़ेंगे दोस्तों, अभी नहीं तोड़ेंगे, घर जाएंगे उस समय तोड़ेंगे। तो अभी हम लोग को फुआ रुकने के लिए बोल रही है कि कुछ देर रुक जाइए, उसके बाद में जाइएगा। तो अभी इसको नहीं तोड़ते हैं क्या जी? हाँ जी। बाद में चलने लगेंगे उस समय तोड़ लेंगे। हाँ। इधर फुआ लोग का घर तरफ इतना ज़्यादा होता ही है ना पपीता कि एकदम वो लोग खाने नहीं सकते हैं, तो हम लोग को बुला लिए और हम लोग तो खोजते हैं ये सब एकदम खाने के लिए, इतना ज़्यादा एकदम विटामिन है ना इस सब में, क्या जी? हाँ, और वो लोग खाते रहते हैं ना, इसीलिए मतलब वो लोग का खाने का मन नहीं करता है। हाँ, क्योंकि वो लोग का काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों इधर का एरिया में, और बड़ा बड़ा भी होता है। हमको लगता है कि एक हो ना कम से कम मतलब 1.5 किलो के आसपास में होगा ना जी। हाँ, हो जाएगा। उतना ज़्यादा मतलब भारी रहता है वो सब। तो फुआ घर तरफ हम लोग आ गए दोस्तों, और इधर देखिए फुआ क्या चीज़ कर रही है। अच्छा अच्छा
घोंघी। हाँ इसलिए तो अब सुबह निकले हुए हैं तो इसलिए कहते हैं कि बना के खा लीजिए। अच्छा बना देंगे खा लीजिएगा। इधर देखिए दोस्तों घोंघी और मछली दोनों है। हाँ दोनों है इसलिए आपको रोकते थे। इसीलिए हम लोग को फुआ रुकने के लिए बोली। हम लोग नहीं जानते थे तो हम सोचे कि भाई क्यों रुकने के लिए बोल रही है। यही स्पेशल बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से दिखता है घोंघी और मछली। देखिए कितना मस्त दिख रहा है। कितना मस्त निकलता है। और निकलता भी बहुत अच्छा है। पूरा घोंघी निकल जाता है। हाँ पूरा मांस निकलता है। अच्छा देखिए ये हम लोग का गांव देहात में बहुत ज्यादा खाते है दोस्तों। पूरा आँख का रोशनी बढ़ता है। हाँ आँख का रोशनी बढ़ जाता है इसको खाने से। इधर गांव देहात में बहुत ज्यादा चलता है घोंघी और ये मछली। और ये मछली भी है दोस्तों तो दूसरा मछली है। ये चेरका मछली बोलते हैं इसको हम लोग इधर गांव देहात में। चेरका मछली देहाती है। हाँ देहाती वाला। हाँ तो पूरा सब चीज धोधा के रेडी कर ली है दोस्तों। और देखिए अभी मछली फ्राई कर रही है। पूरा एकदम देसी तरीका से बना रही है दोस्तों। एकदम पूरा एकदम देसी तरीका से बना रहे हैं। हाँ देखिए कड़ाही में छान रही है। देहात में कड़ाही में मछली छानता। अच्छा हम लोग तो देहाती ना। हाँ इसलिए हम लोग कड़ाही में छानते हैं। हाँ और ये वाला कड़ाही में ठीक लगता है ना। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हल्दी नमक सब डाल दिए हैं। हुआ जी एकदम पूरा देखिए एकदम अच्छा तरह से मिला लिए हैं। अब इसको फिर से मिला लेंगे और वहाँ पर डालेंगे। हाँ और उधर देखिए दोस्तों टमाटर वगैरह सब रेडी हो गया है। सब रेडी है। अब देरी नहीं लगेगा तो हम लोग खाना पीना खाएंगे और चलेंगे घर। क्या जी हम लोग तो जाने ही वाले थे लेकिन आप बोले कि रुक जाइए रुक जाइए। तो हम लोग सोचे कि भाई क्या चीज बन रहा है इतना रोकने के लिए बोल रहे हैं रुकने के लिए। सुबह में फूफा मारे थे ना। हाँ। तो सोचे कि नहीं आज मेहमान आएगा तो यही वाला खिलाएंगे। अच्छा रोज तो डेली सब्जी भात खाता है। अच्छा तो आज चिकन खिलाएंगे। चिकन अभी देसी वाला मछली ना। देसी वाला मछली है। और इधर देखिए दोस्तों हमारी दादी लक्ष्मी की दीदी बूढ़ी ना। हाँ मियाँ के खेला वेला लाई। हाँ मियाँ रहे नूनी दीदी से। हाँ हाँ करेगा। और मेरे फुआ का किचन देख लीजिए दोस्तों कितना मस्त है। देखिए चूल्हा भी एकदम मस्त है। और इधर देखिए एकदम सब चीज एकदम ऊपर में रहता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर एकदम। ये लग रहा है कि किचन जैसा है क्या जी। हाँ। इसी तरह से हम लोग भी बनाएंगे दोस्तों। हम लोग कलवर घर को पूरा एकदम अच्छा तरह से एकदम किचन को सजा देंगे क्या जी। और इधर देखिए दोस्तों अभी दादी मसाला पीस रही है। हो गया दादी। अच्छा ये देखिए दोस्तों मतलब सिलर कितना बड़ा है और लोही एकदम छोटा सा है लेकिन देखिए कितना मस्त मसाला पीस रही है। हाँ हुआ घर में देखिए दोस्तों कितना मस्त खाना बना रही है कविता जी। मस्त मछली फ्राई कर रही है क्या जी। हाँ जी पूरा एकदम। क्या ही मस्त मछली फ्राई हो गया दोस्तों। ये देखिए एकदम सरसों। हाँ देखिए सरसों भी डाल रही है हुआ जी। तो पूरा देखिए दोस्तों एकदम सब्जी एकदम खोल गया है। टमाटर वाला सब्जी ना फुआ। अभी इसको डालने जा रही है फुआ। अच्छा तरह से डपक गया तो क्या। हाँ डाल दें। हाँ डाल दीजिए। क्या ही मस्त बन रहा है दोस्तों देसी वाला मछली। देसी वाला मछली अब देसी वाला तरी बनेगा। हाँ देसी वाला तरी भी बनेगा। क्या ही मस्त लग रहा है एकदम देखने में दोस्तों। मजा आ जाएगा एकदम खाने में। देखने में मजा आता है खाने में और कितना मजा आता है। हाँ अब ये देसी मछली बन गया है दोस्तों। अब इसको उतार रही है फुआ। हाँ। ये देखिए दोस्तों एक साइड में भात है एक साइड में देखिए सब्जी है देसी मछली वाला। और इधर देखिए एकदम कितना मस्त ऊपर में सजा दी है फुआ। पूरा यहाँ से वहाँ तक देखिए एकदम सामान रखा हुआ है। हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों किचन। सामान रहना सामान मुर्गी डूबता है बकरी डूबता है। हाँ। तो खुजा रह जाता था तो यहाँ रख देते हैं तो अच्छा से रहता है। यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं एकदम बढ़िया है। और इधर देखिए दोस्तों एकदम झोटर वगैरह टंगा हुआ है मकई का वो सब एकदम कुछ नहीं होता है चिंता भी नहीं है। और इसको जब बुनते हैं ना तब उस समय बढ़िया से जन्म जाता है। लक्ष्मी तो एकदम आराम से सो गई दोस्तों एकदम। यहाँ पर इतना अच्छा ठंडा लगा ना आराम से सो गई। हाँ बहुत ही ठंडा लगा। हाँ और इधर देखिए कविता जी एकदम आराम से देख रही है पूरा एकदम। फुआ को भी हेल्प की है ना जी। हाँ जी। और इधर देखिए दोस्तों फुआ अभी खाना लगाना शुरू कर दी है। देखिए अभी बांट रही है गरम गरम मछली का साथ चिकन का साथ खाएंगे। हाँ देसी वाला मछली इतना मजा आता है ना दोस्तों खाने में एकदम मजा आ जाएगा। वो भी गर्मा गर्म है ना दोनों। हाँ।
और ये घोंघी है दोस्तों, देसी वाला भी है ना फुआ। हाँ, इसको भुंजिया बनाए। हाँ, क्या ही मस्त भुंजिया लग रहा है दोस्तों। हाँ। ये देखिए उधर मछली का सब्जी और इधर देखिए घोंघी का भुंजिया। क्या ही मस्त खाना बना है दोस्तों आज। शहर में आलू का भुंजिया बनाता है। हाँ, और दाल आती है ना। हाँ। इसलिए घोंघी का भुंजिया बनाया। शहर में बनता है दाल और आलू का भुंजिया, और हम लोग का गाँव देहात में बनता है दोस्तों मछली का, देखिए टमाटर के साथ में झोर, और ये देखिए इधर घोंघी का भुंजिया। क्या ही मस्त लग रहा है, एकदम देखने में मजा आ रहा है। तो खाना लग चुका है दोस्तों, ये देखिए मछली भात और ये देखिए घोंघी का भुंजिया, मस्त एकदम खाना बन चुका है और लग भी गया है क्या जी। हाँ जी। पूरा एकदम मस्त एकदम खुशबूदार सेंट आ रहा है दोस्तों। खाने में भी और मजा आएगा दोस्तों अभी, मतलब इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना, मतलब इतना अच्छा बनाई है ना फुआ कि बहुत ही अच्छा, मतलब टेस्टी है, मतलब खुशबू आ रहा है। इधर मछली है दोस्तों और इधर देखिए घोंघी और भात, पूरा एकदम मस्त एकदम लग चुका है सब खाना, और वहाँ देखिए कढ़ाई में भी है, और इधर देखिए फुआ एकदम चढ़ा दिए पानी गर्म होने के लिए। पानी गर्म पीने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सर्दी भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, इसलिए गर्म पानी कम करें। और इधर देखिए दोस्तों फूफा जी भी आ गए हैं, हमारे बड़े फूफा जी हैं, देखिए साथ में खाना खा रहे हैं हम लोग ना फूफा जी। हाँ, खाना खा रहे हैं। मछली बना भाई सब। हाँ, सब चीज बन गया है, घोंघी का भुंजिया। हाँ। और मछली एकदम मस्त बना हुआ है। हाँ। देखिए कितना मस्त बना हुआ है बेटी। हाँ। खाना खाओ। हाँ, खा रहे। खाना दीजिए बेटी। हाँ। मेरा दांत तो नहीं, थोड़ा सा मछली का थोड़ा सा ले लीजिए, लीजिए बेटी थोड़ा सा। अरे आ, चलो हो गया, चलो ठीक। हाँ, उनके पास तो है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू बेटा थोड़ा सा, अरे वाह। फूफा जी बहुत ही दिलदार है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम बांट बांट के खाते हैं। क्या फूफा जी, हमारा जैसे दिलदार दुनिया में नहीं मिलेगा। हम बेटा पुतो सबको मानते हैं, सबको मानते हैं। शुरू कीजिए जी। हाँ। तो सबसे पहले हम मछली का ही टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, एकदम मुंह में पानी तभी से आ रहा है कि कब से खाएंगे, तो हम खा ही लेते हैं पहले। बहुत मस्त। कैसा बना है फूफा जी? एकदम मस्त मस्त बना। अब थोड़ा सा घोंघी का टेस्ट करते हैं दोस्तों, हुआ तो एकदम मस्त भुंजी है, देखिए एकदम इतना अच्छा भुंजी है ना, लग रहा है कि एकदम ये आलू का भुंजिया फेल हो जाएगा उस तरह से एकदम। क्या फूफा जी, इतना अच्छा खाएगा। तो हम लोग खाना पीना खा लिए हैं दोस्तों, और अभी हम लोग जा रहे हैं पपीता तोड़ने के लिए। चलिए जी। फुआ तोड़ देती दोस्तों, लेकिन अभी वो मुर्गी वगैरह घुसा रही है, तो बोली कि जाइए आप लोग तोड़ लीजिए। और अभी हाथी भी आया है दोस्तों, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। और देखिए रात होने चला ना जी, जी। पूरा एकदम देखिए मैं छंधरा हो गया, तो यहीं पर तोड़ते हैं दोस्तों। देखिए ये वाला भी बड़ा बड़ा है, और यहाँ भी पका हुआ है, इसी को तोड़ते हैं, चढ़ते हैं वही तोड़िए ना, यहीं से तोड़ेंगे जी, ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेंगे बब्बा। एक ही तो तोड़िए ना, हो जाएगा। एक ही तो तोड़ेंगे। हाँ? एक और बड़ा है, इसको भी तोड़िए लेते हैं, दो को छोटा छोटा है, गिर गया नीचे जी, छोड़िए। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पपीता है, देखिए ये लगभग एक डेढ़ किलो होगा। हाँ। एक डेढ़ किलो हो जाएगा क्या? हो जाएगा। डाल लेते हैं अब। हाँ। तो चलिए चलिए फटाफट चलते हैं घर। तो हम लोग पपीता वगैरह तोड़ लिए हैं दोस्तों, अब फुआ से विदाई मांगते हैं, तो चलते हैं फुआ। हाँ, तो माम तो बोलते हैं कि बिहान जाएगा, तो अभी जाने खोज रहे हैं। हाँ, खुश रहिए। हाँ, अभी बाबू को भी छोड़ रखे हैं ना। हाँ, नहीं तो रहते हैं, लंबे नहीं किए तो। हाँ। तो लक्ष्मी को लाए, बाबू को नहीं लाए, नहीं लाए। उधर देख रही है कि इधर आई होगी। हाँ, आकाश को देख रहे हैं, चाचा को देख रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं फुआ, है ना। हाँ, तो जाइए, काहे कि रात हो रहा है। हाँ, अच्छा से जाइए। हाँ, निकलते हैं फटाफट। और हमारे इधर हाथी भी आए हैं दोस्तों, मतलब इधर फुआ के घर तरफ। हाँ, हाथी का हल्ला हो रहा है अभी, तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों, देखिए पूरा एकदम रात हो गया, अब हम लोग को जाते जाते और रात हो जाएगा, चलिए जी जल्दी। चलिए। तो घर हम लोग पहुँच गए दोस्तों, और देखिए आते आते काफ़ी रात हो गया। हमको भी दो। नहीं दे, बोलो। बहुत बड़ा बड़ा रसगुल्ला है, बड़ा बड़ा है यहाँ पर।
तो हम लोग घर पहुंच गए दोस्तों अच्छा तरह से, क्यों जी? हाँ जी, रात हो गया लेकिन हम लोग आराम से पहुंच गए, कोई हाँ। दिक्कत नहीं हुआ और हाथी वगैरह नहीं मिले दोस्तों। क्या जी? हमको बहुत डर लगा था जी। कविता जी को बहुत डर लग रहा था कि हाथी वगैरह आ जाएंगे कि क्या। हाँ। तो कोई तरह का नहीं भेटा है, भगवान की कृपा से सब कुछ एकदम कुशल मंगल रहा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।